तेलंगाना के वजीरे फाइनेंस टी हरीश राव सिद्दीपेट एमएलए कैंप ऑफिस में बारिश से मुतासिरा अफराद में तकसीम किए इमदादी चेक। अरबन में बारिश से मुतासिरा 49 तो नारायण राव पेट में 62 चेक्स पर मुश्तमिल तकरीबन 3,60,000 रुपए किए तकसीम। पुराने शहर हैदराबाद में बारिश का होना अवाम की मुश्किलात में इजाफा। शहर के इलाके बहादुरपुरा में ब्रिज की तामीर में ताखेर अवाम के लिए संगीन मसाइल का सबब। गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के नतीजे ये मसरूफ तरीन सड़क बुरी तरह तबाह, ब्रिज के दोनों जानिब तालाब की सूरत हाल, सड़कों पर गड़े हादसात का बन रहे हैं सबब। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए कलेक्टर्स एसपी जिला सरसिला के मुहकमाजात के अहदेदारों से बारिश की ताज़ा सूरत हाल का लिया जायजा और राहत के इकदाम करने अहदेदारों को दी हिदायत। सबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना के मर्शियाल में काफी मुस्लिम और हिंदू लोगों ने पुरअमन कैंडल मार्च का एहतजाज किया। इस मार्च में काफी लोगों ने सबिया सैफी के साथ इंसाफ का मुतालिबा करते हुए किए नारेबाजी। हैदराबाद पुलिस ने आज AISF और AIYF के चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को नाकाम बनाते हुए कई एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर के इजराई का मुतालिबा करते हुए इन दोनों तंजीमों ने इंदिरा पार्क का प्रगति भवन चलो प्रोग्राम की थी अपील। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीफ अहमद और उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन ने यूपी लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी मजलिस में की शमूलियत हासिल। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से पानी में बहने और बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में बच्चों समेत 15 अफराद हुए हालात और कई जख्मी। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी करते हुए 6 इजला के लिए ऑरेंज और 8 इजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। महकमा अकलीती बहबूद की जानिब से अकलीती उम्मीदवारों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के CSAT 2022 की कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर की जानिब से सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए 100 उम्मीदवारों का मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा। दिल्ली में मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 29 अप्रैल से 6 सितंबर तक बगैर मास्क पहनने 2,46,000 से भी ज्यादा अफराद पर आयद किया गया 2,000 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में बंदरों के हमले में एक बीजेपी लीडर की बीवी हालात। बताया गया मुकामी बीजेपी लीडर अनिल कुमार चौहान की बीवी बंदरों के हमले से बचने की कोशिश में तीसरी मंजिल से गिरकर हो गई हालात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज। हरियाणा के करनल में किसानों की आवाज को दबाने इंटरनेट कर दिया गया ब्लॉक। इस मसले पर बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत पर कांग्रेस ने की तनकीद। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजीवाला ने कहा, जब बीजेपी तालिबान से बातचीत कर सकती है तो किसानों से क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे आज अलीगढ़ का दौरा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सितंबर 14 को अलीगढ़ का दौरा करते हुए तेज यूनिवर्सिटी का रखेंगे संगे बुनियाद। डेंगू बुखार का कहर है जारी और ज्यादा बच्चे डेंगू का हो रहे हैं शिकार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अब तक 55 अफराद की मौत हो चुकी है जिसमें ज्यादातर बच्चे मौजूद है। दीगर शहरों में भी वायरल फीवर बड़ी तेजी से फैल रहा है, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी हो चुका है शुरू। आज सुल्तानपुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ओवैसी करेंगे शिरकत और पार्टी कारकुनान से भी करेंगे बातचीत। आज करनाल में किसानों के एहतजाज का दूसरा दिन, सेक्रेटरीट के बाहर ठोस महास पर बैठे हैं किसान। कल की नाकामी के बाद आज फिर हो सकती है इंतजामिया और किसानों की बातचीत। खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा देखा गया है। खवातीन कमीशन के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायतों के अंदराज में 46% का हुआ है इजाफा। ज्यादातर शिकायतें यूपी और उसके अतराफ से हुई है मौसूल। खवातीन कमीशन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने दिया बयान।
नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब लड़कियों को मिलेगा दाखिला। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कल शाम को लिए गए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया मसरत का इजहार। औरंगाबाद में रिमझिम बारिश ने अचानक तूफानी रुख इख्तियार कर लिया। रात में हुई मौसलाधार बारिश से कदीम शहर के लोगों के लिए खैर हुआ साबित। सड़कें नदियों का मंजर पेश कर रही है, न इमारतें महफूज रही और न ही इबादतगाहें। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद में एक घंटे में 116 मिलीलीटर बारिश हुई रिकॉर्ड। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की वालिदा नहीं रही। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस कर रहा हूँ। अक्षय कुमार की वालिदा अरुणा भाटिया आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहले खाना में शदीद रंजो गम का आलम है। बीजेपी ने 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शंस के लिए इंचार्ज किए मुकर्रर। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी, प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड और फडणवीस को दी गई गोवा की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों और हुकूमत के बीच फिर बड़ा टकराव। अपने मुतालिबात को लेकर आज से जूनियर डॉक्टरों ने काम किया बंद। हुकूमत से जूनियर डॉक्टरों को जारी किए नोटिस वापस लेने की गई मांग। सिविल डिफेंस में काम करने वाली देश की एक बेटी के गैंग रेप और कत्ल के मामले में दिल्ली एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज ने एहतजाजी मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने इस रैली को रोक दिया, जिस पर एमआईएम दिल्ली सदर ने जाहिर की शदीद नाराजगी। जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की हुकूमत को लेकर दिया बयान, जिस पर बीजेपी ने जाहिर की शदीद बरहमी। सऊदी अरब ने आज 8 सितंबर से अपने शहरियों को दी बड़ी राहत। आज से कर पाएंगे यूएई, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका का सफर। गाइडलाइंस पर करना होगा अमल लाजमी। अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत के आज से जिम्मेदारियां संभालने के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने दिल्ली में सीआईए चीफ और अमेरिकी जासूस विलियम बर्न से की मुलाकात। इसी के साथ हमारी खबरें अख्तिताम को पहुंचती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।